तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन क्या होता है? जो भी हमारा लोकोमोटिव रहता है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का मतलब इलेक्ट्रिकल का यूज़ करके हम लोकोमोटिव को चलाते हैं। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में हम देखने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन वर्क होता है और किस प्रकार से वो स्टार्ट होता है और कौन कौन सा सर्किटरी यूज़ किया है इसके अंदर। तो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइन क्या रहता है कि हमारा जो भी सप्लाई देना रहता है इस लोकोमोटिव को, वो हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू देने वाले हैं। वो ट्रांसमिशन लाइन है हमारा 25 किलो होल्ट एसी का। तो ये हो गया हमारा सप्लाई। तो सेकेंड है करंट कलेक्टिंग डिवाइस, मतलब पेंटाग्राफ, जो आपको यहाँ पर जो सेकेंड नंबर का जो दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं पेंटाग्राफ। ये कनेक्टेड है किसको? 25 केवी लाइन को। ये पेंटाग्राफ क्या करता है कि हमारा जो भी लोकोमोटिव है वो स्टार्टिंग कंडीशन में रहता है या मूवेबल कंडीशन में रहता है, तभी हमको करंट कलेक्ट करना पड़ता है। तो हम करंट कहाँ कैसे कलेक्ट करेंगे? तो बाय यूजिंग पेंटाग्राफ हम करंट को कलेक्ट करेंगे। तो पेंटाग्राफ का यूज़ क्यों किया जाता है? करंट कलेक्ट करने के लिए। तो थर्ड क्या है? एयर सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का यूज़ क्यों किया गया? तो हम नॉर्मली जब भी फॉल्ट ऑकर होता है या हाई करंट पास होता है सर्किट में से, हाई वोल्टेज, तो ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। तो इसमें एयर का यूज़ किया गया है, जो कि एयर का फोर्स की वजह से आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इसका यूज़ किया गया है यहाँ पर, इसको सर पूरा लोकोमोटिव को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो भी जो वेरिएशन होता है सडन चेंज इन वोल्टेज में, तो ये डिटेक्ट करेगा सर्किट ब्रेकर और इसमें क्या होगा कि ये प्रोटेक्ट हो जाएगा ये डिवाइस। फिर हम बाद में देखने वाले हैं टैप चेंजर। टैप चेंजर माने आपको यहाँ पर दिख रहा रहेगा, यहाँ पर एक अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको एरो, यहाँ पर टैप चेंजर लगाया गया है। टैप चेंजर, हाँ, आप क्या कर सकते हैं? एक तो आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टैप चेंजर। तो टैप चेंजर में आप अलग अलग वोल्टेज को डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा वोल्टेज आपको देना है यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते। टैप चेंजर यूज़ करके आप कौन सा भी वोल्टेज आप दे सकते हो। जो फिफ्थ है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि एक तो स्टेप डाउन करेगा, स्टेप अप करेगा। तो हम इसको स्टेप अप करके यूज़ कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो फिफ्थ रैंक में यहाँ पर जो दिखा है वाइंडिंग, एक ट्रांसफार्मर है जिसके इसके अंदर लोकोमोटिव में माउंट किया गया है। और जो सिक्स्थ है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्यों यूज़ किया गया है? तो रेक्टिफायर मोस्टली क्या करता है, ये जो एसी जो करंट रहता है उसको कन्वर्ट करता है डीसी में, क्योंकि ये हमारे जो ये वहाँ पर जो दोनों मोटर लगा है वो ऑपरेट होने होंगे डीसी सप्लाई के ऊपर। तो हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप सोच रहे रहेंगे कि हम यहाँ पर डीसी का ही क्यों नहीं लिया? तो हम जब भी ट्रांसमिशन करते हैं तो हम स्टेप अप करके करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा लॉसेस कम होता है। वो हम स्टेप अप और स्टेप डाउन हम ओनली एसी सर्किट में, एसी लाइन में कर सकते हैं, डीसी में स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। इसलिए हम एसी का यहाँ पर सप्लाई दिया है और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम डीसी में बाय यूजिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर माने क्या होता है कि आपका जो भी एसी सिग्नल रहता है, अल्टरनेटिंग एसी सिग्नल, उसको कन्वर्ट करते हैं डीसी में इस प्रकार से। तो ये रेक्टिफायर का यूज़ किया गया है। उसके बाद में है स्मूथिंग रिएक्टर, मतलब जो भी समझो आपने रेक्टिफायर किया भी तो भी थोड़ा सा पल्सेटिंग रहता है उसके अंदर, थोड़ा सा कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, करंट ज़्यादा होगा। तो हम क्या चाहते हैं, एक स्मूथ सा सप्लाई चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिएक्टर लगा देंगे। तो रिएक्टर क्या काम करेगा? तो रिएक्टर एक सप्लाई, जो भी हमारा सप्लाई आ रहा है उसको स्मूथ करेगा। फिर जो भी यहाँ पर सप्लाई गया है वो मोटरों को दिया है।
यहाँ पर आपको दिख रहा रहेगा, जो 8th रैंक हुए हैं, ट्रैक्शन मोटर बोलते हैं। तो हम जो ये मोटर यूज़ किया गया है, ये दोनों दो मोटर यूज़ किया गया है जो कि हमारे लोकोमोटिव को मोशन में लाने के लिए। तो मोटर होते ही डीसी सीरीज मोटर होते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर हम क्यों यूज़ किया जाता है, तो डीसी सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। हम नॉर्मली जब भी हम लोकोमोटिव में जब स्टेबल कंडीशन में रहता है, लोग हम जो जब भी उसके अंदर लोड मतलब लोग चढ़ जाते हैं या कोई भी लोडेड गाड़ी होगा, तो उसको खड़े गाड़ी मतलब जो स्टैंड स्टिल कंडीशन में, उसको मूवेबल कंडीशन में लाने के लिए उसको स्टार्टिंग टॉर्क का ज़रूरत होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या करता है, जो भी आपका स्टार्टिंग या स्टेबल कंडीशन में जो भी ट्रैक्शन है आपका, उसको मूवेबल कंडीशन में लाने के लिए एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क देना पड़ता है, जो कि आपके डीसी सीरीज मोटर का काम होता है। जिसके वजह से आपका क्या होगा कि जो भी आपका ट्रैक्शन सिस्टम है वो मूव होने स्टार्ट करेगा। और जो भी डीसी सीरीज मोटर है वो इजी टू स्पीड कंट्रोल है, उसके अंदर हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हम देखते हैं कि नियर बाय स्टेशन आता है, हम सडन स्पीड को कम कर देते हैं, या कभी हमको दूर जाना है तो हम स्पीड बढ़ा के हम इस लोकोमोटिव को स्पीड से लेके जा सकते हैं। तो हम जो भी डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीड लेवल है वो हम इसको इजी से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो थर्ड है, स्मॉल वेट पर एचपी। तो जो नॉर्मल हम तो जो दूसरा मोटर यूज़ करते हैं वो मोटर का एचपी और ये मोटर का एचपी सेम रहता है, बट वेट कम रहता है। इस डीसी सीरीज मोटर का वेट कम रहता है एज कंपेयर आना दूसरा जो भी दूसरा मोटर हम यूज़ करते हैं नॉर्मल में। तो इस जो मोटर है डीसी सीरीज मोटर का, इसका वेट भी कम होता है। तो इस प्रकार से पूरा ये ट्रैक्शन वर्क करता है। तो ट्रैक्शन का भी एक ये है जो ग्राफ है इस प्रकार का, ये आपको ग्राफ दिख मैं बना के दिखा दूँ। ये जो रहता हमारा स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब जब भी हम ये जो टाइम दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या करेगा कि हमारा मोटर है जो भी लोकोमोटिव है वो स्टार्टिंग कंडीशन में लाने के लिए जो टॉर्क लगता है वो इतना, फिर हमारा लोकोमोटिव चलना स्टार्ट हो गया तो एक लिमिट तक वो चलता जाएगा। मतलब समझो 10 किलोमीटर का रास्ता है, वो यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर का रास्ता है, तो ये टाइम टू हो गया T2। यहाँ पर क्या करेगा, आपका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक ही स्पीड में आपका मोटर ये होंगे मोटर रन रहेंगे। समझो आपका स्टेशन आ गया तो आप क्या करेंगे, एक तो मोटर का स्पीड डिक्रीज करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो भी लोकोमोटिव है वो उसका स्पीड कम होता जाएगा, तो उससे क्या होगा आपका ये वेवफॉर्म ऐसा नीचे आ जाएगा। तो ये क्या दिखाता है कि आपका मोटर है जो अब स्पीड कम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये बेसिक एक ग्राफ है जो लोकोमोटिव में मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से इस लोकोमोटिव में इस ग्राफ का यूज़ किया जाता है। तो मैंने ये भी बताया था कि 25 केवी एसी क्यों यूज़ किया जाता है, यहाँ पर लिखा है जैसे कि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं और उसमें क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। तो करंट कम होने से क्या होता है कि आपका करंट कम हो गया तो लॉसेस कम होगा। लॉसेस क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर जो भी आपके कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट को अपोज करता है। अगर आपका करंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अपोजिशन होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा आपके कंडक्टर में, तो आप क्या करेंगे करंट को कम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेप अप वोल्टेज। मतलब आप वोल्टेज को बढ़ा देंगे, करंट कम हो जाएगा। जैसे कि आपका करंट कम हो गया तो आपका क्या होगा कि लॉसेस भी कम हो जाएंगे और आपका ट्रांसमिशन लाइन आप लंबे दूर दूर तक भी लेके जा सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा सबस्टेशन का भी ज़रूरत भी नहीं होगा और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा,
तो हम इस एसी सप्लाई का यूज़ किया जाता है। तो मैंने अभी इसके अंदर बेसिक सा बता दिया है कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन नॉर्मली कैसा वर्क होता है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में क्या क्या यूज़ किया जाता है नॉर्मली। हाँ, मैंने बेसिक सा बताया कि यहाँ पर यूज़ इतना इतना कंपोनेंट्स यूज़ किया जाता है नॉर्मली। जो भी ट्रैक्शन रहता है उसका मतलब हाई क्वालिटी का मटेरियल, हाई सर्किटरी यूज़ किया जाता है। मैंने बस यहाँ पर जो डायोड दिखाया है, वो डायोड में वहाँ पर उनका अलग रहता है कि हाई बड़े बड़े सर्किट यूज़ किया जाता है, जो कि टोटली सेफ्टी होता है और कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस बेसिक का भी यूज़ किया जाता है इन सब का। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आज आपको इतना ही बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो डालता जाऊंगा। धन्यवाद।